हेलो फ्रेंड, आपका यूनिक क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे IMF और वर्ल्ड बैंक होता क्या है और IMF और वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री को लोन कैसे देता है। IMF और वर्ल्ड बैंक लोन्स में क्या डिफरेंस है। पाकिस्तान में जैसी अभी की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसे लेकर पाकिस्तान में हो सकती इकोनॉमिकल क्राइसिस। अगर कोई कंट्री IMF का लोन नहीं चुका पाती है तो उस कंडीशन में उस कंट्री का क्या होगा। प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। IMF की स्थापना सन 1945 में हुई थी। यहाँ IMF का मुख्य काम ये होता है कि ये उन देशों की सहायता करे जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है, जिससे उन देशों में सुधार हो सके। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक फंड है जिसमें 189 कंट्री अपना अपना कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें भारत भी शामिल है और इस कंट्रीब्यूशन में इंडिया 8वें नंबर पर आता है। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड में लगभग $666 बिलियन उपलब्ध है। हालाँकि IMF किसी भी कंट्री को लोन चार कंडीशन से देता है। FCL, इस लोन का ये मतलब होता है कि कोई कंट्री प्रॉब्लम में आने वाली है उससे पहले ही उस कंट्री ने IMF से लोन ले लिया है। PLL, इस लोन का मतलब होता है कि किसी कंट्री में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है तब इस कंट्री ने लोन लिया है। SBA, इस लोन का भी मतलब यही होता है कि किसी कंट्री में समस्या आ गई है और उस देश की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई लेकिन इससे जल्दी से रिकवर किया जा सकता है, तब इस स्थिति में लिया गया IMF से लोन को SBA लोन कहा जाता है। EFF, और अंत में इस लोन का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री में बहुत गंभीर समस्या आ गई है और उस कंट्री को इस समस्या से निकलने के लिए एक लंबे समय तक सहायता की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे स्थिति में लिया गया IMF से लोन EFF लोन कहलाता है। पाकिस्तान IMF से EFF लोन को ही लेने जा रहा है जिसकी कुल अनुमानित राशि 6 से 7 बिलियन है। व्हाट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्य काम सिर्फ उन देशों को लोन देना होता है जिस देश की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी हो कि वो फ्यूचर में इस लोन को चुका पाए। जो देश अपने देश के विकास के लिए लोन लेता है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ उन्हीं देशों को लोन देता है। वर्ल्ड बैंक उन कंट्री को लोन कभी नहीं देता जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी हो कि वो कंट्री फ्यूचर में लोन चुका ही ना पाए। वोटिंग पावर। IMF में जिस कंट्री में जितना कंट्रीब्यूशन होता है उस कंट्री के पास उतना ही वोटिंग पावर होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट पहले नंबर पर है, इसका मतलब कि यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे अधिक वोटिंग पावर है और यहाँ इंडिया 8वें नंबर पर है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन IMF एंड वर्ल्ड बैंक लोन्स। वर्ल्ड बैंक किसी कंट्री को उसके विकास के लिए ही लोन देता है, जबकि IMF किसी कंट्री को लोन तब देता है जब किसी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो या उस कंट्री को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति की तुलना किसी एक कंट्री से करते हैं और व्यक्ति एक बिजनेसमैन है। वो अपने बिजनेस को बनाने के लिए 2 या 3 फैक्ट्रिया लगाना चाहता है लेकिन उसके पास धन नहीं है, तब उसे वर्ल्ड बैंक लोन देगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति एक गरीब है और उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और उसे अपने पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो यहाँ वर्ल्ड बैंक उसे लोन नहीं देगा। लेकिन यहाँ उस गरीब व्यक्ति को उसके पिता के इलाज के लिए IMF लोन देगा। फ्रेंड, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, IMF और वर्ल्ड बैंक किसी व्यक्ति को लोन नहीं देते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक केवल कंट्री को ही लोन देते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने बस ऐसा माना है। पाकिस्तान में हो सकती इकोनॉमिकल क्राइसिस। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में जो चल रहा है उसके बारे में आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान की अभी की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, जिसका जिम्मेदार तो खुद पाकिस्तान ही है क्योंकि पाकिस्तान चाइना से इतना उधार ले लिया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
तकरीबन पाकिस्तान ने चाइना से 1 बिलियन उधार लिया है, जो कि बहुत बड़ी राशि है। लेकिन इससे भी पाकिस्तान की कंडीशन सुधर नहीं रही है और उसका विदेशी मुद्रा धन घटते जा रहा है। और ऐसी हालत को देखते हुए पाकिस्तान 13वीं बार IMF से लोन लेने जा रहा है। अगर कोई कंट्री IMF का लोन नहीं चुका पाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? पहला, ऐसे कंडीशन में IMF फ्यूचर में उस कंट्री को लोन किसी भी हालत में नहीं देगा। दूसरा, उस कंट्री की करेंसी डिप्रिसिएशन हो सकती है, जिससे उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी। उस कंट्री में पैसे कुछ इन्वेस्टर भी भाग जाएंगे।